हेलो फ्रेंड्स, मैं सालू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल गार्डन गैलरी में। अगर आप गार्डनिंग की शुरुआत करना चाहते हैं और प्लांट्स और पॉट्स के ख़रीदने के चक्कर में आप गार्डनिंग की शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं, तो अभी का जो टाइम है वो परफेक्ट है। फटाफट से आप अपने गार्डनिंग की शुरुआत जो है इस समय कर सकते हैं। प्लांट्स और पॉट्स के ख़रीदे भी आप बहुत ही अच्छे से गार्डनिंग जो है वो कर सकते हैं। तो वही आज की वीडियो में मैं आप लोग से शेयर करूँगी के लिए अब मैं लेके आ गई हूँ आपको अपने कवारी कॉर्नर में। तो यहाँ पर अधिकतर जो प्लांट्स आप देख रहे हैं सभी प्लांट्स को मैंने इस तरह से कवार में ही लगा के रखा है। सारे लोगों को ऐसा लगता है कि गार्डनिंग जो है एक महंगा शौक है और इसमें काफ़ी झंझट करना पड़ता है और पैसे भी काफ़ी बर्बाद होते हैं फिजूल में, तो ऐसी कोई बात नहीं है। गार्डनिंग जो है एक बहुत ही सस्ता शौक है फ्रेंड, और इसमें बिल्कुल भी पैसे आपको एक पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे। अपने अधिकतर गार्डन में जितने भी प्लांट्स लगा के रखे हैं सभी को इस तरह से वेस्ट में ही लगा के रखे हैं। और मैं पॉट्स जो है वो बहुत ही कम खरीदती हूँ और प्लांट्स भी नाम मात्र के ही लेती हूँ। जो प्लांट्स मुझे नहीं मिल पाते हैं इजली जिसकी कटिंग, तो वही प्लांट्स मैं नर्सरी से लेती हूँ फ्रेंड। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ऐसे कौन कौन से वेस्ट होते हैं जो कि हमारे घर से निकलते रहते हैं और जिसे यूज करके हम बहुत सारे प्लांट्स भी फ्री में लगा लेते हैं और इस तरह से हमें पॉट्स जो है वो ख़रीदने का झंझट भी नहीं रहता है। का पूरा गार्डन ही आपको कबाड़ में मिलेगा फ्रेंड, क्योंकि अधिकतर मैं इस तरह से वेस्ट में ही अपनी गार्डनिंग जो है करती हूँ। और मैं खाद भी बहुत ही कम खरीदती हूँ, वो भी अपने घर में ही किचन वेस्ट से निकले हुए या फिर जो भी आपके गार्डन वेस्ट निकलता है उसी से मैं अपना कंपोस्ट भी बना लेती हूँ। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि मेरे पास इस तरह से छोटे छोटे पॉट्स में वेस्ट में लगे ढेरों प्लांट्स हैं। तो ये सारे के सारे प्लांट जो है मैंने खरीदे नहीं हैं, सभी मेरे फ्री के हैं। ये है कोसेंड्रा का प्लांट जो कि फ्लावरिंग प्लांट है, बहुत ही सुंदर इसमें ऑरेंज कलर के फ्लावर्स आते हैं। और ये देखिए इसे मैंने किसमें लगा के रखा है, तो इस तरह के बैटरी के जो पानी वाली जार आती है उसी में मैंने लगा दिया है। और ये देखिए इसी प्लांट की कटिंग ले लेके मैंने ढेरों इसी प्लांट की कटिंग इसी में पॉट में लगा दी है। और देखिए मेरे ढेर सारे कटिंग जो है इसके रेडी भी हो गए हैं फ्री से। पूरे मार्च आप चाहे तो किसी भी प्लांट की कटिंग जो है वो लगा सकते हैं। जो भी प्लांट आपको अपने आसपास या पार्क में या कहीं भी आस पड़ोस में मिल जाए तो उसकी छोटी से छोटी टिप भी आप ले आइए और इस तरह से आपके घर से निकलने वाले जितने भी कबाड़ होते हैं उसमें आप लगा दीजिए। तो इस तरह से आपको जो प्लांट्स है वो खरीदने का झंझट भी नहीं रहता है, और क्योंकि इस टाइम में प्लांट जो है बहुत ही इजीली लग भी जाते हैं, कोई ज़्यादा उनमें झंझट नहीं करना पड़ता है। और इधर आप देख सकते हैं कि ये मेरा शो प्लांट है, तो इसी में मैंने इस तरह से रोज़ प्लांट की ढेरों कटिंग जो है लगा दी थी। और देखिए मेरे सारे के सारे रोज़ के जो प्लांट है वो फ्री में रेडी होगा, तो इस तरह मुझे रोज़ प्लांट जो है वो खरीदने की ज़रूरत नहीं होती है। कटिंग को उसी के पॉट में लगा दीजिए, तो इस तरह से आपको अलग से पॉट भी लेने की झंझट भी नहीं करनी पड़ती है, उसी पॉट में लगा दीजिए। देख सकते हैं आप ये ड्रेसिना का मेरा प्लांट है, तो इसी में मैंने छोटी सी एक कटिंग जो है ड्रेसिना की लगा दी थी। और ये देखिए ये भी कटिंग मेरी फ्री में इस तरह से रेडी हो गई है। तो ये देखिए ये हमारे घर से निकलने वाला वेस्ट है हॉर्लिक्स का डब्बा, तो इसका भी मैं अपने गार्डन में बहुत ही अच्छे से यूज कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं इसमें मैं हमारा डेविस बैकबोन का प्लांट लगा हुआ और ये कटिंग से ही लगा हुआ है। और ये देखिए ये प्लांट मेरा रेडी हो गया, तो इस तरह से इसकी कटिंग आपको कहीं भी मिलती है तो लगा लीजिए। और ये देखिए छोटे से छोटे पॉट में भी ये बहुत ही अच्छे से चलता रहता है। और ये देखिए ये छोटी सी मटकी है जो कि हमारे घरों में निकलती रहती है, तो इस तरह से पड़ी रहती है इधर उधर, तो इसमें भी प्लांट बहुत ही अच्छे से लग जाते हैं। तो इसमें मैंने जेट प्लांट की कटिंग लगाई थी और देखिए जेट प्लांट जो है मेरा लग गया है और काफ़ी खूबसूरत भी लगते हैं छोटे छोटे पॉट्स में लगे हुए प्लांट हैं। कि ये है मशरूम का डब्बा, तो मशरूम का डब्बा का बहुत ही ज़्यादा यूज अपने गार्डन में करती हूँ। आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कौन कौन से प्लांट जो है मशरूम के डब्बे में लगा के रखे हैं और सभी बहुत ही अच्छे से चल भी रहे हैं। तो ये है पर्पल हट, तो इसकी एक छोटी सी टिप अगर आपको कहीं मिलेगी तो इसे आप लगा लीजिए, बहुत ही जल्दी पूरा बॉक्स जो है वो कवर कर लेता है। एक और मेरा जेट प्लांट है, तो देख सकते हैं ये है कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स और इसे मैंने कट करके इस तरह से इसे शेप दे दिया, देखिए कितनी खूबसूरत लग रहे हैं और पेंट कर दिया है। और इसमें भी मैंने जेट प्लांट की कटिंग ही लगाई थी, तो इसकी छोटी सी टिप भी अगर आप लगाते हैं छोटी सी मात्र 1-2 इंच की, तो ये जो प्लांट है कटिंग से रेडी हो जाता है। और ये मार्केट में काफ़ी कॉस्टली भी मिलते हैं और ये शो प्लांट भी होता है, तो इसे अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए। कहीं से भी इसकी कटिंग मिलती है तो इसे लगा लीजिए। और ये देखिए इसमें मेरा तुलसी का प्लांट लगा हुआ है इसी पॉट में, तो इसमें मैंने ढेर सारे स्पाइडर प्लांट के बेबीज जो हैं स्पाइडर प्लांट में इस तरह से बेबीज निकलते रहते हैं, तो उसे मैंने लगा दिया था। और ये देखिए कितने सारे स्पाइडर प्लांट मेरे फ्री में रेडी हो गए। इसकी जो वीडियो है उसमें मैं आपको प्लांट्स भी फ्री में किस तरह से प्लांट्स एक प्लांट से ढेरों प्लांट बना सकते हैं और पॉट्स भी किस तरह से जुगाड़ करते हैं, तो सभी कुछ फ्री का ही होगा, वही आज मैं आपसे शेयर करूंगी। ये प्लांट्स मैंने दिखा दिए आपको, चलिए इधर मैं आपको दिखा दूँ। तो इधर तो ये प्लांट्स इतने बड़े बड़े हो गए हैं कि दिख भी नहीं रहे कि किस चीज़ में लगे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं ये सारे के सारे कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स ही हैं,
देख सकते हैं आप सभी को मैंने इस तरह से पेंट कर दिया है, कलर कर दिया है और सभी में कोई ना कोई प्लांट जो है हमने लगा दिया है। और ये देखिए ये सारे क्रोटन के प्लांट्स हैं जो कि अलग अलग वैरायटी हैं। ये तीनों प्लांट आप देख रहे हैं, तीनों अलग अलग क्रोटन की वैरायटी है और देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और ये छोटे छोटे इस तरह के जो बोतल्स आते हैं कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स, उसी में ये बहुत ही अच्छे से चल रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि क्रोटन के प्लांट के लिए हमें बड़ा बड़ा पॉट ही चाहिए। तो आप इस तरह से अपने घर से निकलने वाले कोई भी इन्वेस्ट जो कि आपके घर से निकलते हैं, जिसे आप कबाड़ समझकर इस तरह से फेंक देते हैं या फिर कबाड़ी वाले को दे देते हैं, तो उसमें आप प्लांट्स लगा दीजिए। देखिए इसमें भी मैंने स्पाइडर प्लांट लगाया है और ये देखिए ये भी इस तरह से ये कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल सी है, तो इसमें मैंने ड्रेसिना लगा दिया है और देखिए कितने सुंदर से इसमें न्यू ग्रोथ भी स्टार्ट हो गई है। कितने तरह से ये सारे वेस्ट जो हमारे घर से निकलते हैं इसका हम यूज भी कर लेते हैं और हमें पॉट्स भी खरीदना नहीं पड़ता है। और देखिए कितने सुंदर भी लगते हैं ये कलरफुल, इनमें पेंट कर दीजिए। ये देख सकते हैं आप, ये 1 लीटर वाली जो पेंट के डब्बे आते हैं तो उसमें मैंने स्नेक प्लांट को लगा दिया है। ये तो काफ़ी शुभ प्लांट होता है और ये ऑक्सीजन गिविंग प्लांट भी होता है, तो इसे भी अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए। और ये देखिए इधर जितने भी आप देख रहे हैं सारे मेरे कोलिंस का कलेक्शन है, तो सभी को मैंने इस तरह से वेस्ट में ही लगा के रखा है। और ये देखिए ये रसगुल्ले के डब्बे हैं, इस तरह से जो रसगुल्ले आते हैं मिठाई आते हैं तो उसी के डब्बे में मैंने इस तरह से इन्हें पेंट कर दिया है। और ये देखिए इसमें मैंने कोलियस लगा दिया, एक कोलियस की कटिंग ही मैंने लगाई थी, बहुत ही आसानी से जो प्लांट है कटिंग से लग जाता है। और अभी तो गर्मियों के टाइम में जो प्लांट है बहुत ही सुंदर लगेंगे, आपके गार्डन को एक अलग ही लुक देते हैं। तो कोलियस प्लांट को अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए। एक छोटी सी टिप अगर इसकी आप लगाते हैं तो अभी लग जाएंगी, तो अभी तो बहुत ही आसानी से किसी भी प्लांट की कटिंग आप लगा सकते हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर भी मैंने एक कोलियस की कटिंग जो है लगा दी थी और ये भी कटिंग मेरी रेडी हो गई है, तो इसे मैं अलग से रिपोर्ट कर दूँगी। इधर भी मेरे ढेर सारे वेस्ट हैं जिसे मैंने प्लांट्स को लगा के रखा है। ये देख सकते हैं आप, इधर बॉर्नविटा का डब्बा है तो उसमें मैंने ड्रेसिना लगा के रखा है। सारे के सारे दही के डब्बे हैं जिसे मैंने पेंट कर दिया है और इसमें स्पाइडर प्लांट लगा हुआ है। और ये छोटा सा एक किचन वेस्ट है जिसमें कि मैंने एलोवेरा लगा के रखा है, ये भी एक दही का डब्बा ही है तो इसमें मैंने सिंगोनियम लगा दिया है और देखिए कितने अच्छे से ग्रो हो रहा है। और आप इधर देख सकते हैं छोटे छोटे वेस्ट में ढेरों प्लांट जो है मेरे लगे हुए हैं। तो इस तरह से ये हमारे घर से निकलने वाले सारे वेस्ट ही हैं जो कि कबार हैं और इसमें मैंने स्नेक प्लांट लगाया है। इधर देखिए ये जेट प्लांट है, छोटी सी कटिंग ही मैंने लगाई थी। हमारे घर में जो मशरूम के डब्बे आते हैं तो उसका भी हम अपने गार्डन में बहुत ही अच्छे से यूज कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि इसी मैंने स्पाइडर प्लांट लगा के रखा है और इसी मैंने जेट प्लांट जो है वो लगा के रखा है। छोटी सी जेट प्लांट की टोपियाँ भी मैंने बनाई है। और इधर फिर से एक आप देख सकते हैं ये हॉलिस का डब्बा है, इसमें भी मैंने इस तरह से सिंगोनियम को लगा के रखा है। और इधर एक एलोवेरा लगा हुआ है जो कि इस तरह की मिठाई के डब्बे में ही लगा हुआ है। तो इस तरह से हमारे घर से बहुत सारे वेस्ट निकलते रहते हैं और सभी के सभी बहुत ही यूजफुल होते हैं, तो उन्हें फेंकने की ज़रूरत नहीं होती है। इस तरह से उसमें आप किसी भी प्लांट की कटिंग लगा दीजिए और प्लांट जो है आपका बहुत ही अच्छे से चलता रहेगा। कि बिना प्लांट्स और पॉट्स के खरीदे भी हम बहुत ही अच्छे से फ्री में गार्डनिंग कर सकते हैं और अपने गार्डनिंग को इंजॉय भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें गार्डनिंग करने में एक भी पैसे जो है वो खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।